हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे, और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम रेखा सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट गुरु। ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद है और इसे आप दूसरा दीपक नाइट्राइट भी कह सकते हैं। मेरी तरफ से ये फिर से उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो मेरे वीडियोस बहुत दिनों से देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं बार बार। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो किया होगा तो आपके पैसे जरूर बने होंगे और आपने इस चैनल से बहुत ज्यादा पैसे बनाए जरूर होंगे। अगर आपने पैसे बनाए तो जरूर लिखिए कि आपने कौन से शेयर से बनाए इस कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं मोटिवेट होकर और सारे वीडियोस आप सभी के लिए बनाऊं। इस वीडियो में मैं स्टॉक से जुड़ी सारी जानकारियां कि ये स्टॉक क्यों दूसरा दीपक नाइट्राइड है, आने वाले समय में ये स्टॉक आपको क्यों इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है, इसके फंडामेंटल्स लेवल्स के टेक्निकल्स लेवल्स, और आप सभी को बताऊंगा कि आपको इस शेयर में क्यों निवेश करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इस शेयर का, कंपनी जो है वो ऑर्गेनिक्स इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फॉर एग्रो इंटरमीडिएट्स एंड फार्मा। मैं आप सभी को इस शेयर का नाम जो है वो बीच वीडियो में बताऊंगा, तो कृपया कर इस वीडियो में बने रहें। और ये शेयर क्यों दीपक नाइट्राइड है ये आपको बीच वीडियो में पता चलेगा, तो कृपया कर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो आपको बता दूं, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3,396 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2,795 का है। 52 वीक हाई और लो जो है वो है 3,142 का है, और लो जो है वो 884.1 का है। और अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो जो है 206.48 की है। स्टॉक पी जो है कंपनी की वो 24.51 है। डिविडेंड यील्ड जो है वो कंपनी की 0.39 है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 59.21% का है। इस तरह का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम कंपनियों के पास होता है, और ये वो कंपनी है जिसे आपको खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ देना चाहिए। ये इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 56.22% का है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, ऐसी कंपनी आपको कभी भी नहीं मिलेगी। मैं आप सभी से बोल देना चाहता हूं, आप ढूंढ लीजिए, आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसका सेल्स ग्रोथ 99.62% का है। ऐसी कंपनी केमिकल सेक्टर में आप ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगी। सेल्स ग्रोथ 99.62% का, फेस वैल्यू 10.00 की। और अगर मैं इसके पिछले 10 साल के सेल्स ग्रोथ की बात कर लूं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया है 40.11%। पिछले 5 सालों में कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया है 58.12%। पिछले 3 सालों में कंपनी ने ग्रोथ किया है वो किया है 99.62%, जो एक मार्वलस है केमिकल सेक्टर और एग्रो सेक्टर में। इतना ज्यादा ग्रोथ करने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कंपनी जो आती है वो आती है आरती इंडस्ट्रीज, इसके प्रमोटर्स हैं। ये कंपनी जो है वो काफी अच्छी है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इसके 2, 5, 10 शेयर लेकर छोड़ दीजिए अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये शेयर जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, ऐसा है सेल्स करने वाला शेयर्स मैंने अभी तक केमिकल सेक्टर में नहीं देखा। आप सभी को इससे हर गिरावट में एक्यूमुलेट अपने पोर्टफोलियो में जरूर करना चाहिए। अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 सालों में 48.7%, जो एक मार्वलस है। 5 सालों में 80.9%, जो फिर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और पिछले 3 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ क्लॉक किया है, वो क्लॉक किया 129.43%। ये वो स्टॉक है जो आपको करोड़पति जरूर बना देगा अगले कुछ सालों में, क्योंकि ये ग्रुप आरती ग्रुप का, जिन्होंने भी आरती ग्रुप में निवेश किया था आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो आज
उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत सारों को तो आरती ग्रुप ने करोड़पति बना दिया। मैं अगर आप इसकी बात करूं तो इसके जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो पिछले 10 सालों में 53.55% है, वो भी एक मार्वलस है। पिछले 5 सालों में 57.28% है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। 59.68 है पिछले 3 सालों में, आप इससे ज्यादा क्या मांगेंगे। और 55.22% है ट्रेडिंग 12 मंथ में। तो आपको मैं क्या बताऊं इस कंपनी के बारे में। एक कंपनी अगर आपने खरीद के रख लिया और अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया तो बच्चे बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर एकदम सेट हो जाएगा। और ये शेयर आपको जरूर करोड़पति बना देगा। मैं आपको बता दूं, अगर इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूं तो इस कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न देखूं तो 47.77% का है, और इसमें 0.32% जो है वो DII है, और 51.591% जो है वो पब्लिक है। और अगर मैं इसके PLN अकाउंट की बात करूं तो PLN अकाउंट में अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो जो मार्च 2020 में इस कंपनी ने पूरे साल में अगर सेल्स क्लॉक किया है वो 584 करोड़ का है, और प्रॉफिट 139 करोड़ की है, और EPS 114.02 रुपीज़ की है। और अगर मैं मार्च 2019 की बात करूँ तो कंपनी ने जो सेल्स क्लॉक किया था वो 606 का था FY19 में, और 121 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट था, और 206 करोड़ का जो था वो EPS था। और अगर मैं इसकी तुलना आज से 10 साल पहले की कर लूं तो इस कंपनी का मार्च 2010 में जो सेल्स था सिर्फ 20 करोड़ का था। तो आपको पता चल सकता है कि ये कंपनी ने कितना अच्छा, मतलब कि 29 टाइम्स जो है अपने सेल्स में ग्रोथ किया है। प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 3 करोड़ का था, और जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुआ है वो कंपनी का वो हुआ है 47 जो था वो 55.51 का था, जो काफी कम था कंपेयर टू अभी। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ये स्टॉक वो स्टॉक है जिसमें बड़े बड़े FII ने अभी खरीदारी की है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक जो है वो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए आने वाले 5-10 सालों के लिए। ये शेयर जो है आने वाले समय में दीपक नाइट्राइड, आरती ड्रग्स और आरती इंडस्ट्रीज जैसे रिटर्न्स आप सभी को जरूर दे सकता है। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, जो भी निवेश करना है इस शेयर में थोड़ा ना थोड़ा जरूर करें, और इस शेयर में लॉन्ग टर्म की सोचें। और अगर मैं आप सभी से बात करूं तो अगर ये कंपनी ने अगर पिछले 10 साल से 40% का रिटर्न किया है, तो अगर इस शेयर में जो मेरा आने वाले दिनों में जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है ₹4,000 का आने वाले 15 से 18 महीने में। ये शेयर जो है आपको 15 से 18 महीने में 4,000 तक के टारगेट दिखा सकता है, और अगले और 2 सालों में इस शेयर में दो मतलब कि 24 से 30 महीने में इस शेयर का जो मेरा टारगेट होगा वो होगा, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, ₹5,000 का इस स्टॉक में आने वाले 24 से 30 महीने में। स्टॉक में मैं जो रेट देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ ₹5,000 का। तो मैं अपने हर दर्शक से कहना चाहूंगा, ये फिर से मेरा गिव अवे है उन दर्शकों के लिए जिन्होंने मुझे पहले दिन से पसंद किया और मेरे YouTube चैनल को जिंदा रखा। अगर आपको वेलिएंट ऑर्गेनिक उस शेयर का नाम है जो शेयर जो है जिसके बारे में मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि समय समय पर मैं ऐसे ही स्टॉक्स जो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सके वो लाता रहता हूँ। फिर से बता दूँ, स्टॉक का नाम है वेलिएंट ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मल्टीबैगर स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।